नमस्कार, स्किल्स रीडिस्कवरी के कोर्स डेमो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रुशल है और आज हम सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स के बारे में बात करेंगे। स्किल्स रीडिस्कवरी इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग मल्टीलिंगुअल स्किल्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसमें बिजनेस, क्रिएटिविटी, लाइफस्टाइल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तमाम कोर्सेज अवेलेबल हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे भारत के सबसे बेहतरीन ऑनलाइन ट्रेनर्स और कोचेस अपने ढेर सारे कोर्सेज के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ पुणे से एक खास लाइफ कोच, बिजनेस कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, मिस्टर मयूर पांगरेकर। मयूर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। या शुक्रिया, थैंक यू। मयूर एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और बाद में उन्होंने अमेरिका से एमएस और फिर एमबीए भी किया। पिछले 20 साल से मयूर इंडिया और यूएस में अलग अलग मैनेजमेंट रोल्स में काम कर रहे हैं। साथ ही ये सीसीए कनाडा से एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं और आईसीपीए यूरोप से एक सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं। मिस्टर मयूर ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिनको सब जानते हैं, उनका एक एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप नाम का ट्रेनिंग कोर्स भी किया है। मयूर एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। इन्होंने अब तक 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को और एंटरप्रेन्योर्स को कोच किया है और दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा लोगों को अपने वीडियो कोर्सेज के थ्रू ट्रेन किया है। मिस्टर मयूर का एक बहुत ही सक्सेसफुल कोर्स है जिसका नाम है डेवलप योर अवेयरनेस, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड अचीव ग्रेटर रिजल्ट्स। और ये कोर्स मयूर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी या मराठी में भी डिलीवर करते हैं। इसी कोर्स के बारे में आज मयूर हमें बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू रुशल जी। अभी क्विकली मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू रुशल जी फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। सो सभी का आज के ये सेशन में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे रुशल जी ने बताया, मेरा नाम मयूर पांगरेकर है और मुझे बहुत खुशी है आज कि मैं आप सब लोगों के साथ ये कोर्स के माध्यम से, ये ऑनलाइन मीडियम से, मैं आपको ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहूंगा, जो कि आपको आपके करियर में, आप अगर कॉलेज में हो, आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो, या एंटरप्रेन्योर हो, या बिजनेस ओनर हो, ऐसे सभी लोगों के लिए ये कोर्स जो है ये फायदेमंद है। तो इसका नाम जो है डेवलपिंग योर सेल्फ अवेयरनेस, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस और अचीविंग ग्रेटर रिजल्ट्स। दीज रिजल्ट्स आर इन योर करियर, इन योर बिजनेस और इन योर लाइफ और एज अ स्टूडेंट इन योर कॉलेज। तो अभी इसको हम शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, शेयर करूंगा। तो इसमें, ये कोर्स में टोटल 7 अलग अलग टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूं और आज के जो डेमो सेशन है इसमें आपको उसका छोटा छोटा ग्लिम्स आपको मैं दूंगा, बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें भी आपको बताऊंगा। और इसमें मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो है आपको सिखाने वाला हूँ, पिक्चर के माध्यम से हो और बहुत ही आसान तरीका यूज करके मैं इसको सिखाता हूँ। और अपने कोई भी ट्रेनिंग में मैं बहुत सारे एग्जांपल्स भी देता हूँ। और ये जो ट्रेनिंग कोर्स है इसमें मैं बहुत सारी एक्टिविटीज लाइव भी करके लेता हूँ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस में, कि इसके बेसिक्स क्या है और इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब होता है। तो अभी सबसे पहले आपके साथ एक मैं स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। ये स्टोरी जो है ये कनाडा के एक ऑथर, जिनका पिक्चर आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनका नाम है एक हार्ट टोल। तो इन्होंने इनके एक बुक में एक स्टोरी लिखी थी, वो मैंने पढ़ी थी, कि एक बार एक भिखारी रास्ते के बाजू में बैठ रहा था भीख मांगते हुए और उसके बाजू से एक स्ट्रेंजर जाने लगे और वो बेगर ने वो स्ट्रेंजर को पूछा कि भाई कोई चिल्लर है क्या। तो ये जो आदमी है उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। देन ये जो स्ट्रेंजर थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो भिखारी है ये कोई चीज पर बैठे हुए हैं। तो वो स्ट्रेंजर ने उसे पूछा कि अरे भाई आप कौन सी चीज पर बैठे हुए हो, व्हाट आर यू सिटिंग ऑन।
तो भिखारी बोलता है नथिंग, कुछ भी नहीं, मेरे नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो अभी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ऐसी है कि भिखारी को एकदम से समझ में आ गया कि वो कुछ एक बक्से में, बक्से के ऊपर बैठा है। तो ये स्ट्रेंजर ने उसके बाद उनसे पूछा कि भाई बक्से के अंदर क्या है, आपने कभी वो बक्से के अंदर देखा है? तो भिखारी बोलता है अरे उसमें क्या होगा, उसमें तो कुछ भी नहीं है, उसमें क्या देखने की जरूरत है। तो स्ट्रेंजर क्या करता है, वो भिखारी को इंसिस्ट करता है कि भाई आप एक बार देख लो वो बक्से के अंदर क्या है। तो भिखारी उसका, उसकी बात सुन के वो बक्सा खोलता है और वो बक्से में देखता है तो वो पूरा का पूरा सोने से भरा हुआ रहता है। तो अभी इसमें ये जो कोर्स है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज ऐसी है कि मैं जो हूं, मैं आपके लिए वो स्ट्रेंजर बन के आया हूं कि मेरे पास वैसा नॉलेज के व्यतिरिक्त आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको एनकरेज करने वाला हूं, मैं आपको पूछने वाला हूं सवाल अलग अलग ये कोर्स के माध्यम से कि आप अपने अंदर झांक के देखिए, आपको आपके अंदर की खूबियां क्या लगती है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या लगती है, आपके वीकनेसेस क्या लगते हैं। ये सभी चीजें जो है मैं आपको ये कोर्स के माध्यम से पूछने वाला हूं। तो नॉट इनसाइड एनी बॉक्स एज इन द स्टोरी, बट यू आर गोइंग टू गो इवन डीपर एंड इवन क्लोजर टू योर सेल्फ। तो ये छोटी सी स्टोरी जो है ये सेल्फ अवेयरनेस के टॉपिक में बहुत ही रिलीवेंस रखती है, इसलिए आपसे मैं ये शेयर करना चाहता था। तो अभी हम देखेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हिस्ट्री में अलग अलग रिलीजन्स, मेजर रिलीजन्स जो हम देखते हैं दुनिया में, वो उन्होंने क्या क्या अलग चीजें बताई हुई है, बुक्स में लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के हिंदू उपनिषद जो है, वहां पर उन्होंने लिखा था कि इंक्वायरी इनटू द ट्रूथ ऑफ द सेल्फ इज नॉलेज। मतलब आपको ज्ञान पाना है तो आपको सबसे पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद में ज्यूइश फेथ में लिखा गया है कि सेल्फ नॉलेज हैज बीन कॉल्ड द प्री रिक्विजिट फॉर एनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर आपको कौन से भी लेवल पे आप अगर हैं, आपके आप जॉब में हो या बिजनेस में हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, आप कहीं भी हो, वहां से अगर आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना है तो आपको अवेयरनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में 10th सेंचुरी मुस्लिम फिलोसोफर जो थे उनका नाम एविसेना था, तो उन्होंने लिखा था कि सेल्फ अवेयरनेस इज इसेंशियल टू आवर सोल एंड आवर अवेयरनेस ऑफ आवर सेल्फ इज आवर वेरी एग्जिस्टेंस। इसके बाद में हम देखते हैं कॉन्फ्यूशियस जो एक चाइनीज फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा है कि टू गवर्न अदर पीपल, टू गवर्न आवर टीम मेंबर्स, वन मस्ट फर्स्ट गवर्न वन सेल्फ। तो खुद पे जो है वो मास्टरी होना जरूरी है, खुद पे जो है वो कंट्रोल होना जरूरी है, और ये दोनों चीजों के लिए कंट्रोल और मास्टरी, इसको सबसे पहले हमें हमारे बारे में अवेयरनेस जो है वो बहुत जरूरी है। और लास्ट में हम देखेंगे कि क्रिश्चियन बाइबल में लिखा गया था कि व्हाई डू यू लुक एट द स्पेक ऑफ सॉडस्ट इन योर ब्रदर्स आई and pay no attention to the plank in your own eye। मतलब आप ये पिक्चर से देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है कि अगर मैं मेरे दोस्त को, अगर मैं मेरे वाइफ को, अगर मैं मेरे कोई कलीग है, कोवर्कर है, उनके जो कुछ दुर्गुण हैं, उनके जो कुछ दोष हैं, वो मुझे बहुत आसानी से दिख सकते हैं, लेकिन मेरे खुद के अंदर जो दुर्गुण है, दोष है, वो दिखने को ही मुझे, मेरे में अवेयरनेस जो है वो नहीं है।
तो ये बहुत आसान चीज है, क्योंकि हमें सामने वाले की व्यक्ति जो है, सामने वाले व्यक्ति है, उनका बोलना है, उनका चलना है, वो बहुत आसानी से दिखता है। लेकिन जब तक हम मिरर के सामने जाते नहीं है, जब तक हम हमारे खुद के अंदर झांक के नहीं देखते हैं, कुछ स्पेसिफिक शार्प पॉइंटेड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं और उनके आंसर्स हम नहीं डिमांड करते हैं, तब तक हमें हमारे दुर्गुण जो है पता करने में मुश्किल होगी। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरे लोगों से अवेयरनेस के बारे में जो है फीडबैक के लिए हमेशा ओपन हमें रहना है। तो नेक्स्ट आपको बताता हूं कि ये कोर्स में आपको मैं सेल्फ अवेयरनेस के बारे में 9 अलग अलग पिलर्स के बारे में समझाने वाला हूं। इसमें सबसे पहला पिलर है हमारे वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब है व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू मी इन माय लाइफ एंड इन माय करियर और इन माय बिजनेस, व्हाट मैटर्स टू मी मोस्ट इन माय लाइफ और करियर। इसमें सिक्योरिटी हो सकता है, इसमें पंक्चुअलिटी हो सकता है, इसमें पैसा हो सकता है, इसमें स्टेबिलिटी ऑफ इनकम हो सकता है, इसमें अलग अलग चीजें हो सकती है, इसमें स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली हो सकता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आपको आपके अंदर के जो कोर चीजें हैं, जैसे आपके वैल्यूज है, वो पता ही रहने चाहिए, नहीं तो आदमी हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रह सकता है। तो वैल्यूज हमें पता रहने चाहिए। सेकंड जो है उसको मैं बोलता हूं हमारे बिलीफ या हमारे विश्वास जो है वो भी हमें पता रहने चाहिए, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हैं, हमारे वैल्यूज हैं, हमारे बिलीफ है, उसके ऊपर से हमारा जो बिहेवियर है, हमारे जो एक्शंस है, वो बेस्ड रहते हैं। इसलिए हम कुछ पर्टिकुलर चीज क्यों करते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज क्यों नहीं करते हैं, इसका पूरा आपको अगर रीजन समझना है, उसका बेसिक फंडामेंटल समझना है, तो आपके वैल्यूज को खोज निकालना है। एक्चुअली आप में वो है, आपको सिर्फ अटेंशन देना है, कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछने हैं और आपको जवाब मिलने वाले हैं। तो वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट, बिलीव्स आर इम्पोर्टेंट। और इसी कोर्स में मैं आपको अलग अलग बाकी के जो है 7 अलग अलग पिलर्स जो है सेल्फ अवेयरनेस के, वो बताने वाला हूं। ये पिलर्स को अगर आपने एकदम स्ट्रांग कर लिया तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस जो है लाइफ में वो बढ़ने वाला है। तो सेल्फ अवेयरनेस के बारे में अभी हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये कोर्स में मैं क्या करता हूं कि पार्टिसिपेंट्स को एक्चुअली एक वेबसाइट है, उस पर क्लास के अंदर ही जाके मैं वो टेस्ट लेने को बोलता हूं और वो 4-5 मिनट में टेस्ट लेते हैं और उनके रिजल्ट जो है वो आपको इमीडिएटली मिल जाते हैं कि आपको खुद के बारे में आज के दिन तक आपको कितनी जानकारी है, कितना आप खुद को समझते हैं। ये लेने के लिए आपको एक बेंचमार्क चाहिए कि मैं अभी कहां हूं, वो समझने के बाद आप बराबर से डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे आगे किधर जाना है और कैसा जाना है। इसके बाद में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूं कि आपका जो इनर वर्किंग है, आपके माइंड के अंदर का जो इनर वर्किंग है, उसको मैं बहुत सिंपल मेथड से आपको समझाने वाला हूं। ये मैं NLP और आइसबर्ग मॉडल से समझाता हूं। तो इसमें आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे मैं अभी ब्रीफली 1 मिनट में आपको समझाता हूं कि हमारे लाइफ में अगर कोई भी इवेंट होता है, कोई भी एक्सपीरियंस होता है, तो उस वो जो चीज है, वो पूरी एक्सटर्नल चीज है, वो आप चित्र में देख सकते हैं कि यहां पर जो है एक्सटर्नल इवेंट है, वो पूरी की पूरी चीज है। हम हमारे 5 सेंसेस से हम हमारे ब्रेन को इनपुट देते हैं। अब हम वो इनपुट देते हैं तो क्या होता है,
हमारे माइंड में कुछ फिल्टर्स रहते हैं, तो हम उसको एग्जैक्टली कैसा परसीव करते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि मेरे माइंड के अंदर उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसा है। जैसा मैं परसीव करूंगा, जैसे मेरे वैल्यूज हैं, जैसे मेरे बिलीव्स हैं, उसके ऊपर डिटरमाइन करेगा कि उसको मैं ऐसा देखता हूं कि अरे भाई ये अच्छा हो गया या बुरा हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप लेंगे कि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आप लास्ट ईयर में हैं, अभी आपको जॉब ढूंढना है, तो आपने एक इंटरव्यू दे दिया और इंटरव्यू दे देने के बाद आपको कॉल आया कि भाई आप वो इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए, तो अभी ये एक एक्सटर्नल इवेंट हो गया, वो हमारे फिल्टर्स के थ्रू जाता है। अगर मेरा जो बिलीफ है वो एक मेरा फिल्टर है, अगर मेरा बिलीफ है कि मैं दूसरा जॉब नहीं ढूंढ सकता, तो क्या होता है, मेरे अंदर का रिप्रेजेंटेशन वो निगेटिव हो गया और मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर से मेरा जो है इमोशनल स्टेट डिटरमाइन होता है, तो मैं सैड हो जाऊंगा, मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाऊंगा, मेरा इमोशनल स्टेट जो है वो निगेटिव हो जाएगा। आई बात ध्यान में? और जब जैसा मेरा इमोशनल स्टेट रहता है उसके ऊपर से मेरा जो बिहेवियर है, मेरी जो पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी है वो डिटरमाइन होती है। ये बात समझिए, इसको आपको पकड़ना है कि अगर मैं लो एनर्जी हूं, अगर मैं निगेटिव स्टेट में हूं, तो मैं एक्शन लेने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहूंगा, तो मेरे एक्शंस धीरे रहेंगे, स्लो रहेंगे, अरे भाई उस वो करके क्या फायदा, ऐसा मैं बोलूंगा। तो अभी आप एग्जैक्टली अपोजिट हम सोचते हैं, इसमें आपका एक्सटर्नल इवेंट जो है वो एग्जैक्टली सेम है कि आपको इंटरव्यू में जॉब नहीं मिला। अभी आप देखिए, आपके अंदर माइंड में बिलीव है कि आई कैन फाइंड अ न्यू जॉब, आई कैन गेट न्यू इंटरव्यूज, तो सी आपके अंदर का जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है वही चेंज हो जाता है एक सेकंड में। तो आपने वो लिया, परसीव किया, ठीक ये हो गया, मुझे इस पर नहीं फोकस करना है, मुझे पता है मैं जॉब ढूंढ सकता हूं, तो इमीडिएटली देखिए आपका बोलना कैसा हो गया, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो आपके बॉडी के अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप बोलेंगे चलो मैं अभी नौकरी पे जाता हूं, इधर जाता हूं, जॉब ढूंढना फिर से चालू कर देता हूं, जॉब अप्लाई करने को चालू कर देता हूं। तो देखा आपने, इवेंट सेम था लेकिन सिर्फ आपका बिलीफ जो है वो आपने अगर डिफरेंट कर दिया, वो पॉजिटिव कर दिया, वो एम्पावरिंग कर दिया, तो उसका जो इफेक्ट है वो आपके लाइफ में आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। तो ये क्विकली जो है मैंने आपको मॉडल बताया, तो ये मैं डिटेल में सिखाता हूं और इस पर हम एक्चुअल एक्टिविटीज भी करते हैं। तो इस पर मैंने ये भी आपको बताया था ब्रीफली कि वैल्यूज क्या है। वैल्यूज ऐसी चीज है कि अगर आपको मैं सवाल करूं कि आप मुझे ऐसे दो व्यक्ति इस पूरे दुनिया में, आप कौन से भी कंट्री में जाइए, आप सिंगापुर में जाइए, आप थाईलैंड में जाइए, आप यूरोप में जाइए, कहीं पे भी जाइए, क्या आप दो ऐसे व्यक्ति ढूंढ सकते हैं जिनके वैल्यूज एग्जैक्टली मैच होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं? आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है वैल्यूज आर लाइक आवर फिंगरप्रिंट्स। आप अगर पूरी दुनिया में जाओगे तो दो व्यक्ति ऐसे आप ढूंढ नहीं सकते जिनके फिंगरप्रिंट्स आपको सेम मिलेंगे। तो उसी तरह एल्विस प्रिस्ले, जो बहुत फेमस सिंगर थे, उन्होंने लिखा है वैल्यूज आर लाइक फिंगरप्रिंट्स, नोबडीज आर द सेम बट यू लीव देम ऑल ओवर एंड एवरीथिंग यू डू। मतलब आप जो कुछ भी काम करते हैं उसमें से आपके वैल्यूज सामने वाले के व्यक्ति को दिख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो ये बात समझिए, आपके वैल्यूज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ब्रीफली आपको मैं बिलीफ के बारे में बताऊंगा एक छोटा सा एग्जांपल देके। तो बिलीफ ये ऐसी चीज है कि एक ये फीलिंग है आपके अंदर की, फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी अबाउट समथिंग।
सर्टेनिटी अबाउट समथिंग। अब एक बहुत आसान तरीका आपको बताता हूं, ये बिलीफ का जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, आपको आप सबको लेगो ब्लॉक्स पता है, हम छोटे बच्चे थे तब छोटे छोटे पीसेस से बड़ी बड़ी चीजें बनाते थे, या फिर बिल्डिंग कैसा बनता है, छोटी छोटी ईंट से बनता है। तो बिलीफ का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो आइडिया होता है। अगर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि आई एम कॉन्फिडेंट, तो कैसे पता चलेगा कि ये एक आइडिया है सिर्फ, या ये सही में रियल में एक मेरा बिलीफ है मेरे अंदर? तो मैं बोलूंगा कि आप वो स्टेटमेंट को बोल के देखिए, बोलना है। तो अगर मैं बोलता हूं आई एम कॉन्फिडेंट, तो ये जिस प्रकार से मैंने ये बोला है उस प्रकार से आपको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि मेरा जो एनर्जी लेवल था वो लो था, मेरी बॉडी लैंग्वेज एकदम लो थी, तो इससे लगता नहीं कि मैं रियल में कॉन्फिडेंट हूं। अगर वो रियल में होगा तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी चेंज देखिए कि अगर मैं बोलता हूं आपसे आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, तो देखा आपने, मैंने आई कॉन्टेक्ट रखा था आपसे, मैंने मेरी बॉडी लैंग्वेज यूज की, मेरी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो अपराइट थी, और मैं डायरेक्ट आपके साथ आंखों में आंख डाल के मैं बात कर रहा था। तो बिलीफ का मतलब है कि आई फील सर्टन अबाउट समथिंग, इट इज अ फीलिंग ऑफ सर्टनटी। तो सिंपल एग्जांपल देखते हैं, आपको सबको टेबल पता है, हमारे घर में टेबल रहते हैं, आपका डाइनिंग टेबल हो या अदर दूसरा टेबल हो, तो ऐसा इमेजिन कीजिए आपके माइंड में कि एक टेबल टॉप है और उसके नीचे चार जो पहिए रहते हैं, चार जो लेग्स रहते हैं, वो लेग्स ही आपके पास नहीं है। तो वो वाला जो बिलीफ है वो सचमुच वाला बिलीफ नहीं होता है, वो सिर्फ आइडिया रहता है। तो जब आप, अगर आपको आपके बिलीफ को सच में करना है, तो आपको क्या लगता है कि आपके जो टेबल है, आपका जो टेबल है उसको बराबर से चार जो लेग्स है वो सपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिलीफ जैसे तैयार होता है वो हमारे पास्ट एग्जाम्पल से तैयार होता है, पास्ट रेफरेंसेस से तैयार होता है कि भाई मैंने शायद लास्ट वीक में एक प्रेजेंटेशन दिया था, 2 घंटे दिया था, 10 लोगों के सामने दिया था, उसके पहले 2 महीने पहले भी मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था 20 लोगों के सामने। तो ये एक एक करके एग्जाम्पल आपके माइंड में जमा हो जाते हैं और स्लोली स्लोली आपका जो बिलीफ है आपके खुद के ऊपर वो बढ़ जाता है, वो बहुत सॉलिड हो जाता है, वो बहुत कॉन्क्रीट जैसे हो जाता है, उसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए ये समझिए कि बिलीफ कैसे तैयार होते हैं, बिलीफ हाउ आर बिलीफ फॉर्म। तो ये ब्रीफली आपको छोटा बताया। हम एक्चुअल कोर्स में क्या करते हैं कि आपके बिलीफ अभी क्या है जो लिमिटिंग है, आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, उसको हम ढूंढते हैं और उसको हम रिप्लेस करते हैं, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट। आपको ढूंढना है, नए बिलीव्स के साथ रिप्लेस करना है, और कई सारे उसके एग्जांपल्स आपको आपके लाइफ में क्रिएट करने हैं नए नए अच्छे एक्सपीरियंस के थ्रू। सो ये जो प्रोसेस है ये आपके कोर्स में, ये जो कोर्स है मेरा, इसमें मैं एक्चुअल लाइव सबसे करके लेता हूं। इसके बाद एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है वो आपको ये कोर्स में मैं बताता हूं कि एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, उन्होंने मंकीज और बनाना उन पर एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके जो फाइंडिंग्स है वो एक्सपेरिमेंट के, वो मैं ये कोर्स में आपके साथ शेयर करता हूं। अभी क्विकली देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा मॉडल बताने वाला हूं जिससे आप आपके खुद के जो स्ट्रेंथ है, जहां आपकी खूबियां हैं, जहां आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, जहां आपको बहुत अच्छे स्किल्स है, वो आप ढूंढ सकते हैं। आपका पैशन जो है वो भी आप ढूंढ सकते हैं। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं इसे हम 1 by 1 डाइसेक्ट करते हैं और आप खुद सोच के कुछ सवालों का जवाब देके ये कोर्स में आप खुद ढूंढ लेंगे कि आप में क्या खूबियां हैं,
आपने क्या स्ट्रेंथ है और आपने क्या वीकनेसेस भी है, वो भी हम ढूंढते हैं। और इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज है, जो व्यक्ति इस दुनिया में हमेशा इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं, मोटिवेशन दो तरह के हैं, एक जो है वो इंटरनल है, आदमी के खुद के अंदर से आता है, दूसरा जो है वो एक्सटर्नल है। कभी कभी मैं कुछ वीडियो देखता हूँ, कुछ ऑडियो सुनता हूँ, किसी आदमी से मिलता हूँ, वैसा भी मैं मोटिवेट हो सकता हूँ, लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन है ये हमेशा कुछ चीजों से आता है। आपका जो पैशन है उसमें आपको क्लैरिटी है क्या? आपका जो लाइफ का करियर का विजन है उसमें आपको क्लैरिटी है क्या? ये अलग अलग चीजें हैं जिनसे आपको इंटरनल मोटिवेशन आता है। और ये जो इंटरनल मोटिवेशन है ये पूरी दुनिया में ऐसी पावर है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुई है जो आपको आपका इंटरनल मोटिवेशन जो है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि आपका वो अपने अंदर से आया हुआ है। तो वो कैसे ढूंढना है आपका पैशन, ये आपको मैं ये मॉडल के थ्रू बताता हूँ ये कोर्स में। और आपने यूनिक क्या है, क्योंकि हम सब इंसान जो है दुनिया में, ये कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक चीज ऐसी है हमारे में जो किसी दूसरे में नहीं है। वो यूनिक एबिलिटी क्या है, ये यूनिक एबिलिटी कैसे ढूंढनी है, ये भी आपको मैं ये मॉडल के थ्रू ये कोर्स में बताऊंगा। और यूनिक एबिलिटी ढूंढते टाइम आपको खुद से अलग अलग सवाल पूछना है, सिंपल से उसके जवाब से, और एक सिंपल 3-स्टेप प्रोसेस मैं बताता हूँ ये कोर्स में, उससे आपको आपकी यूनिक एबिलिटी जो है वो पता चलती है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम जाते हैं, ये है आपका जो अवेयरनेस है अबाउट योर थॉट्स, अबाउट योर बिहेवियर एक्शंस एंड अबाउट योर इमोशंस, व्हाट डू यू फील, इसका भी अवेयरनेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं क्विकली आपको इमोशंस जो है इसके बारे में मैं बताता हूं। आपने देखा है कि बेसिक इमोशंस जो होते हैं कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, अभी गुस्सा आ गया है, डर लग रहा है, डिस्गस्टिंग फीलिंग है, आनंद हुआ है, सैड फील हो रहा है, सरप्राइज फील हो रहा है, तो ये अलग अलग इमोशंस हैं। ये बेसिक इमोशंस हमारे कौन से रहते हैं, इसमें भी आपको मैं रॉबर्ट प्लचिक नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये व्हील ऑफ इमोशन जो है वो डिजाइन किया है। तो व्हील ऑफ इमोशंस कैसे यूज करना है वो भी आपको मैं ये कोर्स में डिटेल में बताने वाला हूं। और हम जैसे मैंने बोला कि हम अलग अलग गेम्स लेते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, तो इमोशंस समझना खुद के ये भी इम्पोर्टेंट है और सामने वाले व्यक्ति के, क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में आपको सामने वाले की व्यक्ति के इमोशंस क्या है वो भी पता रहने चाहिए, तो ही जाकर आप उसको अच्छे से प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो ये एक्टिविटी का पार्ट है। यही कोर्स में आपको इमोशंस के बारे में भी मैं बहुत डिटेल से जानकारी दूंगा कि इमोशंस क्या होते हैं, वो कैसे क्यों हमें होते हैं, उसका हिस्ट्री क्या है। हम जब बोलते हैं अर्ली ह्यूमन जो है, एंसेस्टर्स जो है हमारे, उनके माइंड में इमोशंस ये कैसे जनरेट हुए, क्यों जनरेट हुए, उसकी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ ये कोर्स में। इसमें इमोशंस को समझना कैसे है और रेगुलेट कैसे करना है, इसके बारे में एक बहुत 3-स्टेप प्रोसेस है सिंपल, उसको मैं आपको ये कोर्स में मैं बताने वाला हूं। नेक्स्ट जाते हैं, और एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम है अब्राहम मैज़लो। उन्होंने एक बहुत अच्छा पिरामिड बनाया है, और ये पिरामिड जो है हमारे ह्यूमन नीड्स के बारे में है। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर आपको 5 अलग अलग लेवल्स
दिख रहे हैं ये पिरामिड में, तो ये हमको बताते हैं कि हमारे अलग अलग नीड्स क्या क्या होते हैं। और ये कोर्स में हम हर एक लेवल पे डिस्कशन करते हैं और आप आपके खुद के जो नीड्स हैं वो समझते हैं पहले, और वो कितने मीट हुए हैं, कितने फुलफिल्ड हो आप उसके ऊपर, वो भी हम ढूंढ के निकालते हैं। क्योंकि समझिए कि जब तक आपको करंट लेवल का अवेयरनेस नहीं है, आप उसके बाद इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए आपको करंट लेवल का अवेयरनेस जो है वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यही टॉपिक में आपको मैं बताता हूं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो कंसेप्ट है ये कैसे ओरिजिनेट हुआ और किसने क्रिएट किया। ये विक्टर फ्रैंकल नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे ऑस्ट्रिया कंट्री से, जिन्होंने ये कंसेप्ट को उनके बुक में सबसे पहले लिखा था। ये कंसेप्ट को वो बोलते हैं कि बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देर इज अ स्पेस। सो स्टिमुलस का मतलब है कोई भी एक्सटर्नल इवेंट है, कोई भी चीज है जो आपके एनवायरमेंट में हो रही है, आपके कंट्रोल के बाहर हो रही है, तो वो कोई भी स्टिमुलस हो उसके उसके ऊपर उसके बाद में कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं उसके बीच में एक स्पेस है। जैसा मेरे और ये लैपटॉप के बीच में एक स्पेस है, वो एक साइकोलॉजिकल स्पेस है। वो इन दैट स्पेस वो बोलते हैं कि लाइज योर पावर एंड योर फ्रीडम टू मेक अ चॉइस, एंड इन दोज चॉइसेस लाई योर ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको मैं आपको ये कोर्स में समझाता हूं कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर हमेशा वो फ्रीडम है कि आप कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन को कैसा रिस्पॉन्ड करोगे। दिस इज अ वेरी पावरफुल कंसेप्ट, दिस इज अ वेरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कंसेप्ट फ्रॉम विक्टर फ्रैंकल। इसके बाद हम बोलते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस जब हम बात करते हैं तो उसमें दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक जो है वो अबाउट माई सेल्फ, इसको मैं बोलता हूं कि ये इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस है। इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस मतलब मैं मेरे बारे में क्या जानता हूं, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरे वीकनेसेस क्या हैं, मेरे वैल्यूज क्या हैं, मेरे बिलीफ्स क्या हैं, और आपको मैंने जो वो 9 पिलर्स बताए वो पूरे के पूरे 9 पिलर्स में आपको क्लैरिटी आ जाएगी ये कोर्स करने के बाद, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सो ये हो गया मेरा इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। अभी दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम बोलते हैं कि ये एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस है। इसका मतलब है कि मेरे आजू बाजू वाले जो लोग हैं, मेरे जो फैमिली में हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उन पर मेरे एक्शंस का, विचारों का, फीलिंग्स का कैसे इम्पैक्ट होता है। तो ये जो चीज है ये आपको न्यू रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत मदद करेगा, आपको एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसको स्ट्रांग करने के लिए मदद करेगा। क्योंकि अगर मुझे समझता ही नहीं है कि मैंने कुछ बोल दिया मेरे कलीग को और उसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होता है, कैसा होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं, मैंने बोल दिया मैं वहां से निकल गया, तो वो मेरा कलीग कुछ एक इम्प्रेशन बना सकता है मेरे बारे में, उसका जो डिसीजन है मेरे साथ इंटरेक्ट करने का, उसका जो बिहेवियर है मेरे साथ बात करने का, वो बदल सकता है, पूरा बदल सकता है, और वो विन विन सिचुएशन नहीं होगा। इसलिए हमें समझना है कि आप अपने बिहेवियर से अलग लोग दूसरे लोगों को कैसा इंपैक्ट करते हैं। और दूसरी चीज एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस में यह है कि दूसरे लोग आपको कैसा परसीव करते हैं। What do they think about your strengths? What do they think about your behavior? What do they think about your thoughts? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम दुनिया में
अकेले तो रह नहीं सकते, हम अकेले में कुछ काम कर सकते हैं, हमारा पढ़ना है, कुछ काम है, लेकिन अल्टीमेटली आपको दूसरे लोगों के साथ काम करना है, एक टीम में काम करना है, अलग अलग फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, कोवर्कर्स, बॉस, उनके साथ काम करना है। तो इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है कि हाउ अदर पीपल परसीव यू, बिकॉज आपको स्टेजेस बताता हूं। आपको पहले पर्सनल मास्टरी लानी है, फिर आपको दूसरों के साथ भी मास्टरी लानी है। बिकॉज स्टीफन कवी का एक वाक्य बोलता हूं यहां पर, उन्होंने कहा है कि इफ यू थिंक एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली इन एन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड यू विल फेल। फिर से बोलता हूं कि इफ यू थिंक एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली इन एन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड देन यू विल फेल। मतलब आप अकेले में पूरा काम नहीं कर सकते, आपको दूसरों के साथ काम करना जरूरी है, इट इज अ रिक्वायरमेंट। तो ये चीजें जो है वो डिटेल में आपको मैं ये कोर्स में समझाता हूं, और आपको कैसे ढूंढना है कि आपका इम्पैक्ट क्या होता है दूसरों पर, दूसरे लोग आपको कैसा परसीव करते हैं, ये कैसे ढूंढना है फीडबैक के जरिए, ये भी आपको मैं ये कोर्स में डिटेल में समझाता हूं। और ये जो टॉपिक है नेक्स्ट इज रेज योर अवेयरनेस विथ व्हील ऑफ लाइफ टूल। ये बहुत ही अच्छा टूल है, ये हमारे लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका करियर हो गया, आपका फिजिकल हेल्थ हो गया, आपका मेंटल वेलबींग हो गया, आपका रिलेशनशिप्स हो गया, आपका स्पिरिचुअलिटी हो गया, आपका फन एंड रिक्रिएशन हो गया। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये व्हील ऑफ लाइफ है, यहां पे मैं आपसे ये करवा लेता हूं कोर्स में कि हर एक एरिया में लाइफ के आप आपके खुद को कैसा रेट करते हैं। तो आप ये एग्जांपल देखिए, यहां पर लिखा है स्पाइडर वेब व्हील। तो इमेजिन कीजिए आप एक कार के ड्राइवर हो, उसमें उसके अंदर आप गाड़ी चला रहे हो, और आपके जो व्हील्स है वो ये शेप के हैं, ये देख रहे हैं आप, ये स्पाइडर वेब जैसा है, ये राउंड सर्कुलर नहीं है, चारों पहिए वैसे ही है, चारों व्हील्स वैसे हैं। तो आपकी जो राइड है वो कैसी रहेगी, वो बहुत ही अनस्टेबल रहेगी, बहुत ही बम्पी रहेगी, अनकंफर्टेबल रहेगी, बराबर। तो आपको क्या करना है, आपका अवेयरनेस बढ़ाना है और आपको लाइफ को मोर बैलेंस्ड बैलेंस में लाना है। तो ये व्हील ऑफ लाइफ के एक्सरसाइज के थ्रू मैं आपको ये समझाता हूं कि आप अभी कहां हो और इसके ऊपर आप कहां जा सकते हो और कैसा आपको प्लान करना चाहिए। और हम ये सेशन में एक स्पेसिफिक एक्शन भी करते हैं, उसको हम एक्शन प्लानिंग बोलते हैं, गोल सेटिंग और एक्शन प्लानिंग। मतलब जो हम सीखते हैं उसको इमीडिएटली आप प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हो, उस पर आप इमीडिएटली सोच के लिखते हो कि मैं आज से नया क्या करूंगा, मैं आज से अलग क्या करूंगा, कल से मैं नया क्या करूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी लर्निंग में, क्योंकि इंफॉर्मेशन से आपको फायदा नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन से आपको फायदा होगा। सो इंफॉर्मेशन से फायदा नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन से फायदा होगा। तो आपको ये कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है वो एकदम ब्रीफली बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो आपको ये कोर्स करके मजा आने वाला है, क्योंकि हम मैं जो सिखाता हूं, आई टीच एवरीथिंग थ्रू फन वेज, थ्रू एक्टिविटीज, थ्रू एग्जाम्पल्स, थ्रू गेम्स। तो आपको मजा आएगा और आप सीखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपका ब्रेन जो है वो आप पूरी तरह से इंगेज करेंगे ये सेशन में, ये कोर्स में। तीसरी बात, आपको मैं रैपिड फायर टेस्ट दूंगा हर एक सेशन में, वो आप जो कुछ सीखेंगे उसको आपको रिकॉल करना पड़ेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा पहले, तो फिर रिकॉल करना आसान हो जाता है। उसके बाद
आपको मैं बहुत अलग अलग पिक्चर्स दिखाऊंगा, मैं पिक्चर से सिखाता हूँ, वीडियो से सिखाता हूँ, एक्टिविटी से सिखाता हूँ, तो आपके ब्रेन में वो बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है। हम वीडियोस देखेंगे और हम क्या करेंगे कि हम एक्शन प्लान जो है, गोल्स जो है, वो शेयर भी करते हैं कि मैं आज से क्या करूंगा दूसरा, वो हम शेयर करते हैं हमारे ग्रुप मेंबर्स के साथ। तो इस कोर्स के बेनिफिट्स आपको क्या होने वाले हैं, सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया आपको आपके लाइफ के 9 जो पिलर्स हैं, फाउंडेशनल पिलर्स हैं, उसके बारे में आपको क्लैरिटी आ जाने वाली है। उसके ऊपर, उसके बाद आपको बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो है वो महसूस होना चालू होगा। उसके बाद जो है, जैसा मैंने बोला, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपको जो है अलग अलग गोल्स सेटिंग के लिए, एक्शन प्लानिंग के लिए इनपुट्स मिलने वाले हैं ये कोर्स के थ्रू। आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्ट होने वाला है, क्योंकि आपको जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ता है, आपको नई इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको इनपुट मिलता है, गोल क्लियर हो गया मुझे क्या करना है, आपको अवेयरनेस बढ़ गया, आप इमीडिएटली डिसीजन लेते हैं और एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद आप इमोशंस के बारे में समझेंगे, इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, इमोशंस को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। इट विल हेल्प यू टू मैनेज योर इमोशंस वेल। आपके जो रिस्पॉन्सेस है, आपको मैंने कंसेप्ट बोला स्टिमुलस रिस्पॉन्स का, आपको मैं NLP मॉडल सिखाऊंगा, तो आप कोई भी सिचुएशन लाइफ में हो उसको अच्छी तरह से कैसे हैंडल करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो आपको ये कोर्स से बेनिफिट होगा। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप डिसीजंस फास्ट लेंगे, आप एक्शंस फास्ट लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ने वाला है। आपको आपके कॉलेज में ये प्लानिंग के लिए, करियर प्लानिंग के लिए और एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत काम में आएगा। और आपके सिर्फ खुद के लिए नहीं, लेकिन आपके जो रिलेशनशिप्स है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, कोवर्कर्स है, रिलेटिव्स है, नेबर्स है, उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो आप स्ट्रांग बना सकते हैं, बहुत मजबूत आप बना सकते हैं। तो ये कोर्स जो है, मैं आप सबको एनकरेज करता हूं कि स्किल्स रीडिस्कवरी प्लेटफॉर्म पे जाके आप इसे एक्सप्लोर कीजिए, इसके बारे में इंक्वायरी कीजिए। और मैं आपको बोल सकता हूं कि आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल्स हो या एंटरप्रेन्योर्स हो, मैंने ये कोर्स अभी बहुत जनों को, more than 1,000 people, मैं ये लास्ट के 10-11 महीने से मैं सिखा रहा हूँ ऑनलाइन मोड से, और मुझे कंटिन्यूसली फीडबैक मिलता है कि ये एक बहुत यूनिक कोर्स है। ये टॉपिक पे अगर आप ढूंढेंगे ऑनलाइन गूगल पे, तो आपको एक अलग ही टॉपिक में कोई कोर्स मिल सकते हैं, या फिर मेडिटेशन में मिल सकते हैं, या कॉन्शियसनेस पे मिल सकते हैं। लेकिन ये जो मेरा कोर्स है, ये इतना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है कि जो मैं सिखाता हूँ उसका यूज जो है आप इमीडिएटली कर सकते हैं। तो अगेन आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, रुशल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्किल्स रीडिस्कवरी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये आज मुझे मौका मिला है, ये मेरे नॉलेज को मैं शेयर कर सकता हूँ आप सभी के साथ। सो धन्यवाद आप सभी का। इस डेमो कोर्स को आपने अभी तक देखा है और आप जरूर इसको एक्सप्लोर कीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, एंड धन्यवाद। थैंक यू।